नमस्कार बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेंटल हेल्थ। ये टॉपिक केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए यूजफुल है, पेरेंट्स के लिए भी, वर्किंग नॉन वर्किंग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस मानसिक हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य हर आदमी के लिए जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, डिस्कशन अबाउट मेंटल हेल्थ इज स्टिल अ टैबू इन इंडियन सोसाइटी। यानी अभी भी इंडियन सोसाइटी में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने से, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शेयर करने से लोग अभी भी हेजिटेट करते हैं, राइट? डिस्कशन करने से हेजिटेट करते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु सफर फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, राइट? सो तो ये ऐसा ना हो, और क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इन सब की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। पढ़े लिखे लोग सुसाइड करते हैं, सक्सेसफुल लोग तक सुसाइड कर लेते हैं। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसा इश्यू है जो सबको प्रभावित करता है, राइट? अमीर गरीब, सक्सेसफुल फेल, सबको, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द पर्सन, राइट? सो ऑल्दो इन अमेरिकन एंड यूरोपियन सोसाइटीज इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, मेंटल हेल्थ इज अ नॉर्मल थिंग। पीपल डिस्कस, टेक काउंसलिंग फ्रॉम द काउंसलर्स, फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट, फ्रॉम साइकियाट्रिस्ट, राइट? और इन कंट्रीज में मेंटल हेल्थ एक बड़ा बिजनेस है, बड़ा प्रोफेशन है, बड़ी इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, राइट? और वहाँ पे साइकेट्रिस्ट एक एक घंटे की काउंसलिंग के हजारों रुपए लोगों से लेते हैं। एंड बिकॉज हमारा जो दिमाग होता है ये भी बॉडी का पार्ट है, और जैसे हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स कभी कभी बीमार होते हैं, कभी कभी सही से काम नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे ही क्योंकि ब्रेन भी बॉडी का पार्ट है, तो ये भी, इसमें भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट? और ब्रेन में ऑर्गेनिक प्रॉब्लम भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल मींस लाइक बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग, ओके, बेस्ड ऑन आवर इमोशंस, राइट? तो यानी हमारे दिमाग क्योंकि कई तरह काम करता है, तो इमोशनल एंजाइटी हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल पेन हो सकता है, राइट? तो ये चीजें, आई मीन इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग, ओके? एंड नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस थिंग्स एंड शेयर थिंग्स विद ईच अदर, सो दैट पीपल डोंट गेट विक्टिम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड कमिट सुसाइड्स एंड दे डोंट लीव देयर लाइफ फुली, राइट? सो इफ यू आर मेंटली हेल्दी यू विल बी हैप्पी, यू विल लिव योर लाइफ कंप्लीटली इन होलिस्टिक वे, live your life in a satisfied way, right? And you not only contribute in your well-being, but you'll also contribute to well-being of your friends, family, and others, right? If you are happy and mentally healthy, so mental well-being is very important for the society, and it's time to discuss the root causes of mental problems, mental issues, and their solutions. तो आज की टॉपिक में हम रूट मेंटल इश्यूज के रूट प्रॉब्लम्स पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम सॉल्यूशन पे बताएंगे, ओके? एक आउटलाइन स्ट्रेटेजी बताएंगे ताकि मेंटल वेलबींग हमारी बनी रहे, स्टूडेंट्स की बनी रहे, और मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार ना हो, राइट? तो एक एक करके हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, और I'm sure you will, all of you will benefit from these things. And these strategies are based on psychological research of psychology, and other evidences. Okay, and we'll also discuss some spiritual angle also. Okay, so one by one. So we'll take first the strategies, important strategies, important steps. Okay, important. Tips, okay, some 15 to 20 important tips, which is mostly used by successful people to remain happy, mentally happy, and physically happy, okay?
सो लेट्स कम वन बाय वन टू अवर मेंटल हेल्थ टॉपिक. सो द फर्स्ट टॉपिक इन आवर मेंटल हेल्थ इज पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट. सो रिमेंबर, पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. एंड इफ समथिंग रिसर्च बेस्ड एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, जॉब में भी बड़े बड़े जॉब इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जॉब हाउसेज होते हैं, जॉब मैनेजर्स होते हैं, उनका भी यही एक्सपीरियंस है कि लाइफ में आपका एटीट्यूड जो होता है वो 95% डिटरमाइनिंग होता है, राइट. यानी आपका एटीट्यूड कैसा है, जैसे आप कोई जॉब के लिए जाते हैं तो 90% ऑफ द केसेस इट्स योर एटीट्यूड विच मैटर्स 98% ऑफ द टाइम्स. 95% टू 98% ऑफ द टाइम्स इट इज योर एटीट्यूड विच मैटर्स. और बाकी जो 5-2% जो होता है वो उसमें आपका स्किल्स काउंट होता है, उसमें आपका क्वालिफिकेशन काउंट होती है, राइट. बट अल्टीमेटली इट्स योर एटीट्यूड दैट हेल्प्स यू टू गेट योर जॉब ऑल्सो, राइट. सो एटीट्यूड इज मींस लाइक हाउ वी लुक एट थिंग्स. जीवन में हम अपने चीजों को, जीवन में चीजों को हम कैसे देखते हैं, ठीक है. एक ही आदमी एक ही चीज को अलग तरह से देखता है, उसी चीज को दूसरा आदमी अलग तरह से देखेगा, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी लुक एट थिंग्स, ओके. इट्स ऑल अबाउट आवर परसेप्शन टुवर्ड्स थिंग्स, कि किसी चीज के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या नजरिया इस चीज के बारे में, राइट. तो ये होता है एटीट्यूड. तो एक ही चीज के बारे में हम नेगेटिव सोच लेते हैं, एक ही चीज के बारे में हम पॉजिटिव सोच लेते हैं, ओके. तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल अपब्रिंगिंग और सोशल एनवायरनमेंट, राइट. सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स, टुवर्ड्स पीपल एंड टुवर्ड्स लाइफ, राइट. सो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर चीज में नेगेटिव बात करेंगे. उनके साथ अच्छा होता है तब भी वो रोते रहते हैं, और उनके साथ बुरा होता है तब तो रोते ही, ठीक है. तो ऐसे लोगों को बोलते हैं नेगेटिव माइंडेड पीपल, राइट. एंड तो ऐसे लोग जो हैं दे आर वर्स पीपल, ओके. सो इन साइकोलॉजी इट इज एडवाइज दैट स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल. Negative people are they are just like sucking your energy. They suck up your energy. पूरी energy suck up कर लेते हैं आपकी. वो आपको यानी इतना 2 मिनट में 5 मिनट में इतना stress, इतना negativity दे जाते हैं आपको कि आपकी दिन भर की energy खर्च हो जाती है उस negative stress से cope up करने के लिए. तो जैसे हमने जब हम student life में थे तो psychology हमने पढ़ा था, इंडिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट कोचिंग टीचर से निखिल पाठक, राइट, इन दिल्ली. सो पाठक जी बोलते थे कि बेटे लाइफ में चाहे अकेले रह लेना लेकिन नेगेटिव माइंडेड लोगों के साथ नहीं रहना, ठीक है. क्योंकि नेगेटिव माइंडेड लोग खुद तो सक्सीड नहीं हो पाते हैं, ना तो खुद सफल होंगे और तुमको भी सफल नहीं होने देंगे, ठीक है. और अगर तुम किसी तरह से सफल हो भी गए तो वो कभी ना कभी तुम्हें सफलता के शिखर से नीचे गिरा देंगे अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहने लग गए तो. इसलिए सोच समझ कर अपने दोस्त डिसाइड करने चाहिए, सोच समझ कर अपना सर्कल डिसाइड करना चाहिए, किस लोगों के साथ आप उठते हैं बैठते हैं, किन लोगों के साथ आपका मिलना है, उनकी सोच क्या है लाइफ के प्रति, उनका नजरिया क्या है, और चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं कि नेगेटिव देखते हैं. तो जब बात बात में रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो बार बार में कंप्लेन करते हैं, राइट. ऐसे लोगों से दूर रहिए. दे सक अप योर एनर्जी, दे विल डिवास्टेट योर लाइफ एंड दे विल फ्रस्ट्रेट यू. एंड आई टेल यू नेगेटिविटी बड़ी जल्दी ग्रास करता आदमी, ठीक है. पॉजिटिविटी जो ग्रास करने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आदमी को कई तरह की टेक्निक करनी पड़ती है, जैसे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, राइट. बस पॉजिटिविटी लाने के लिए पहले हम अपनी नेगेटिव को निकालना पड़ता है, ठीक है.
क्योंकि नेगेटिविटी अपने आप आती है, नेचुरली आती है दिमाग में, लेकिन पॉजिटिविटी को लाना पड़ता है। ये ऐसा ही है जैसे किसानों के जो खेत होते हैं, फार्मर्स के जो खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उसमें खरपतवार अपने आप उग जाता है। खरपतवार यानी अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स, राइट, वो अपने आप उग जाते हैं। लेकिन जो आपकी फसल है उसको उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फार्मर को, किसान को मेहनत करनी पड़ती है, खाद डालना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खेत जोतना पड़ता है, कितनी साल भर किसान मेहनत करता है, तब वो जो पॉजिटिविटी की जो फसल होती है उसका जो डिजायर क्रॉप होती है, जिसको पॉजिटिविटी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, वो तैयार होती है। खरपतवार तो अपने आप हो जाता है, उसको तो निकालना पड़ता है, निकालने में मेहनत लगती है। तो ऐसे ही नेगेटिविटी होती है, वो बड़ी जल्दी फैलती है, बड़ी जल्दी फंगस की तरह फैल जाती है आपके दिमाग में, राइट, और आपको पता ही नहीं चलता कि कब नेगेटिव एटीट्यूड के लोग आपको नेगेटिव बनाकर चले गए, राइट, और आप जीवन भर सफर करते हो। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड आपका बन गया तो आप ना तो सफल हो पाएंगे, आपके दोस्त भी कम बनेंगे, राइट, क्योंकि ऐसे आदमी हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं और एक दूसरे की चुगली, ठीक है, तो ऐसे लोग दोस्त भी छूट जाते हैं, लोगों को लगता है कि आज मेरे सामने उसकी कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, कल को मेरी कंप्लेन किसी और के सामने करेगा, राइट, तो ऐसे लोगों के दोस्त भी कम होने लग जाते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड ओके इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मेंटेन योर पॉजिटिव एटीट्यूड, कीप अवे द नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ, राइट, एंड always look at the lighter side of things, okay, at the positive side of things. हर चीज का दो aspect होता है, जैसे सिक्के के दो aspect होते हैं, दो पहलू होते हैं, right? ऐसे ही हर चीज के दो aspect होते हैं, negative, positive, दोनों aspect होते हैं। एक ही चीज को आदमी दो तरह से देखता है, perception हर आदमी का अलग अलग होता है, लेकिन हमें अपना perception positive रखना है, ठीक है, ताकि हमें लाइफ में दिक्कत ना आए। और पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखने के लिए मैं आपको एक साइकोलॉजिकल टेक्निक बताता हूँ, और वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी अपने आप से ही पॉजिटिव बात करना। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इट्स बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड इट्स अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक, आई टेल यू, इट्स बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके, एंड इट्स बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एविडेंस, राइट। इसका पॉजिटिव सेल्फ टॉक का जो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि हमें अपने दिमाग को पॉजिटिव कमांड्स देनी होती है, पॉजिटिव विचारों की कमांड देनी होती है, सकारात्मक विचारों की का निर्देश देना होता है, ठीक है, और जैसे मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, ठीक है, तो यानी आई मीन जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो आपको पॉजिटिव सकारात्मक विचारों का निर्देश अपने दिमाग को देना होता है। तो मैं आपका इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपको इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़े कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और इसका इट इज ए साइंटिफिक टेक्निक, इट्स नॉट नथिंग बेस्ड ऑन हवा में नहीं है, इट इज जस्ट साइंटिफिक टेक्निक एंड वेरी इफेक्टिव टेक्निक। तो बेसिकली पॉजिटिव सेल्फ टॉक कब करनी है, ठीक है, कैसे करनी है, तो ये भी हम इसमें बताएंगे ताकि इसका इफेक्ट ज्यादा हो। तो होता यह कि चौबीस घंटे में एक ऐसा टाइम होता है जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, ठीक है, किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं अल्फा स्टेज ऑफ माइंड, राइट। तो अल्फा स्टेज ऑफ माइंड में जो भी सजेशन, जो भी सुझाव, जो भी इंस्ट्रक्शन दिमाग को दिए जाएंगे, दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है और हम वैसे ही बिहेव करने लगते हैं, राइट, और हमारी सोच भी वैसे ही बन जाती है। तो हमारा दिमाग अल्फा स्टेज में कब होता है, ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो अल्फा स्टेज लाने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में आदमी जो है अल्फा स्टेज में आ जाता है। तो मेडिटेशन में जो भी पॉजिटिव थॉट्स हमारे दिमाग में जा रहे होते हैं, दिमाग उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है at the deeper level of our existence, or deep within, positive instructions are accepted by the mind, or mind उसको
उसी को अपने आपके बिहेवियर में लेके आने लगता है धीरे धीरे, राइट। तो हालांकि मेडिटेशन काफी लोग करते हैं, पर बहुत से लोग, अधिकतर लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, राइट। और तो जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं उनके लिए दूसरा टाइम है, ठीक है, यानी बिना मेडिटेशन करके भी आप अल्फा स्टेज में होते हैं। कब होते हैं? वो होता है जब आप जस्ट सुबह सुबह उठते हैं, तब जैसे ही आपकी आंख खुलती है सुबह, जैसे आपकी नींद खुलती है, नींद खुलते ही, ठीक है, खुलते ही जो आपकी जो स्टेज होती है वो अल्फा स्टेज होती है, ठीक है। तो उस स्टेज में आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे दिमाग को, वो दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो अब हम बताते हैं कि आपको कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है। तो जैसे ही आपकी नींद खुलती है, नींद खुलते ही आप बिल्कुल आराम से उठ के शांत बैठ जाइए, आंखें मत खोलिए, ठीक है। नींद खुलती है तो आपने आंखें मत खोलिए, ठीक है। आप आंखें बंद कर रखते हुए ही आप अपने बेड पे बैठ जाइए, बिस्तर पे बैठ जाइए, आंखें बंद करके बैठे रहिए, राइट। और आंखें बंद करके जो भी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन आपको अपने ब्रेन को देने हैं, आप आधा मिनट एक मिनट आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन रिपीट करिए, ठीक है, राइट। जैसे मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, राइट, मैं माय मेमोरी इज शार्प, कि मेरी मेमोरी शार्प हो रही है, राइट। एंड सो माय व्हाट एवर इंस्ट्रक्शंस यू वांट टू गिव, यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू ब्रेन। सो बेसिकली इसमें आप ध्यान रखने की बात यह है कि आपको जो पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन है वो आपको प्रेजेंट टेंस में देनी है। आपने देखा होगा मैंने बोला कि मैं खुश हूँ, ठीक है, आपको प्रेजेंट टेंस में ही देना है, आपको फ्यूचर में नहीं देना है कि मैं खुश हूंगा, ठीक है, फ्यूचर में नहीं देना, ठीक है, फ्यूचर कभी नहीं आता, या मैं खुश था, ठीक, तो आपको प्रेजेंट में देना है, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुश, ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है, प्रेजेंट में ही आपको देना है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं जो भी आई मीन मैं अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, मैं तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देना है, आई मीन जस्ट यू गिव दैट इंस्ट्रक्शन कि मैं जैसे सपोज आपको एडिक्शन है, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो भी छोड़ सकते हैं कुछ से धीरे धीरे प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। सब कही कि मैं अल्कोहल जो है छोड़ता हूँ, ठीक है, मैं स्मोकिंग छोड़ता हूँ। तो पहली बात यह कि जो है आपको प्रेजेंट टेंस में देना है, दूसरी बात ये आपको नेगेटिव टेंस में नहीं देना है, ठीक है। जैसे आपके जैसे है कि मैं शांत हूँ, ठीक है, तो इसको मैं शांत हूँ बोलना है, इसको ये नहीं बोलना कि मैं अशांत नहीं हूँ, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा इसमें, नहीं वर्ड यूज नहीं करना इसमें, ठीक है, क्योंकि नोट यहाँ इसे यूज नहीं करना, ठीक है, मैं दुखी नहीं हूँ ऐसे नहीं बोलना, ठीक है, मैं खुश हूँ ये बोलना है, मैं दुखी नहीं हूँ ये नहीं बोलना, मैं खुश हूँ ये बोलना है, राइट। तो यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक दो रूल है, एक सुबह उठते ही आप आंख बंद करके करेंगे अल्फा स्टेज में, और उसको प्रेजेंट टेंस में देंगे, और नोट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन की जो कमांड होती है उसका रूल होता है कि आप प्रेजेंट टेंस में देंगे, नोट यूज नहीं करेंगे, राइट। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देना है आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और आप वो जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में डीप विद इन वो सब आपके सबकॉन्शियस में भी चली जाती है, और आपका जो माइंड है फिर आपके बिहेवियर को, आपके थिंकिंग को, आपके परसेप्शन को पॉजिटिव बनाने लगता है धीरे धीरे, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मैं इसका इफेक्ट का जो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे क्या होता है, जैसे आप रात को सोते वक्त जो आखिरी विचार आपके दिमाग में होता है वही विचार रात भर आपके दिमाग में घूमता रहता है, राइट। जैसे आप रात को अगर दुखी होके टेंस होके सोते हैं तो रात भर आपको उसी तरह के सपने आएंगे, दुख वाले, टेंशन वाले, चिंता वाले, राइट। और अगर रात को आप खुश होके किसी बात को खुश होके आप सोते हैं, यानी आपका आखिरी विचार यानी खुशी भरा था, अच्छा विचार था, पॉजिटिव विचार था, तो आपको रात भर उसी तरह के आपकी मेंटल स्टेट बनी रहती है, खुश उसी तरह के सपने आते हैं, राइट। तो ये आप करके देखना,
ये बेस्ड ऑन रियल साइंटिफिक एविडेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो जैसा रात को सोते वक्त हमेशा पॉजिटिव विचार ही रखिए और हेल्दी विचार रखिए, ताकि रात भर आप अच्छे से सो पाए, शांत होकर सो पाए, राइट। पीछे से आपने देखा होगा कई अगर आप दुखी होते हैं तो रात भर आपको नींद भी नहीं आती है, और नींद अगर आ भी जाती है तो सैलो नींद आती है, यानी गहरी नींद नहीं आती है और आप परेशान रहते हैं। और अगर आप खुश होकर सोते हैं, हैप्पी रहते हैं, ठीक है, तो आपको बड़ी गहरी नींद आती है और आप रिफ्रेश होते हैं। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ। तो ऐसे ही पॉजिटिव सेल्फ टॉक होती है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन योर पॉजिटिव एटीट्यूड बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड रेगुलरली डूइंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक इन अल्फा स्टेज ऑफ योर माइंड। सो दैट इज वन एस्पेक्ट of your well-being. Now let's come to the second technique of mental health, to maintain mental health. Okay, that is laughter therapy. Okay, so laughter therapy, it's ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो mentally बीमार है या depression में, anxiety में, उन लोगों की को करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, healthy लोगों को करनी चाहिए, जिनको कोई problem नहीं है सबको करनी चाहिए। आपने तो देखा होगा हमारे पार्क्स में बुजुर्ग लोग या वैसे भी नॉर्मल लोग यानी यंग एडल्ट्स कई बार लाफ्टर थेरेपी करते रहते हैं, या फिर दो तीन लोग मिलके और वो सब लाफ्टर थेरेपी करते हैं पार्क्स में। एक आदमी हंसना स्टार्ट करता है, उसको देख के बाकी लोग भी हंसना शुरू रहते हैं, और एक बार हंसी का सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर वो हंसी चलती रहती है दो तीन मिनट, चार मिनट। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ जहाँ भी हैं, जो भी आपके पास हैं, उनको बोले आप एक मिनट लाफ्टर थेरेपी करेंगे, ठीक है, और आप हंसना स्टार्ट कर दीजिए किसी भी बात पे, या वैसे हंसना स्टार्ट कर दीजिए। और वैसे जैसे आपको पता ही है, हंसी तो बड़ी इन्फेक्शियस होती है, एक आदमी को हंसता देख के दूसरों को तो हंसी आ ही जाती है, ठीक है। और जब आप हंसने लग लगा हंसने लगते हैं तो दूसरा भी उसका भी लगातार हंसी आने लग जाती है और वो भी हंसता चला जाता है। used to do this technique in our student life, like जब हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जेएनयू में पढ़ते थे तो आईएएस की तैयारी करते थे, तो हमें काफी हेक्टिक शेड्यूल रहता था पढ़ने का, हम 8-8 9-9 घंटे लगातार पढ़ते थे, तो शाम तक थक जाते थे। तो क्या करते थे हम, दो तीन लोग होते थे तो डेली जो प्ले ग्राउंड में जाके थोड़ा सा जाके एक कॉर्नर में एक आदमी हमें से किसी बात पर हंसना शुरू कर देता था और फिर हम लगातार 2-3 घंटे हंसते रहते थे और हमें देख देख के आसपास के लोग हंसना शुरू कर देते थे। तो इस तरह इफ यू आर हैप्पी यू आल्सो क्रिएट अ हैप्पी एनवायरनमेंट अराउंड यू एंड दैट यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्सिंग, काफी रिलैक्सिंग होता था। दिन भर की जो थकावट होती थी पढ़ने की वो थकावट दूर हो जाती थी और फ्रेश फील हो जाते थे, फिर से हम दो घंटे 3 घंटे फिर से पढ़ने, उसके बाद फिर से पढ़ने पड़ जाते थे। तो करीब 8-9 डेली यानी 8-10 घंटे पढ़ाई हम कर लेते थे। तो इस तरह इट हैज बीन वेरी पॉजिटिव थेरेपी। तो ये सब करते हैं लाफ्टर थेरेपी, आप भी करिए। तो आप मतलब ऐसा मत करिए कि लोग बोलेंगे पागल हैं, ऐसे हंस रहे हैं, मतलब लोगों की बातों में मत जाइए, लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी लोग आपको बोलेंगे कि खराब कर रहा है, आप गलत करोगे तो वो लोग तो बोलेंगे नहीं आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का फॉरगेट अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स योर लाइफ, ओके। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी होती है उसने क्या क्या की जो है, सीरियसनेस को ही नॉर्मल समझ लिया है। सीरियसनेस इज ए डिजीज, साइकोलॉजी बोलती है, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल साइंस बोलती है कि सीरियसनेस इज ए डिजीज, मेंटल डिजीज, सीरियस होना छोड़ दीजिए, ठीक है। जितना सीरियस रहोगे उतनी मेंटल प्रॉब्लम होंगी, राइट। और सो ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग, स्माइलिंग इज नॉर्मल थिंग, ओके। सीरियसनेस रहना बीमारी है, पर ये कि क्योंकि सारी दुनिया ही सीरियस रहने स्टार्ट कर दिया, पूरी दुनिया ने, ठीक है, तो अब लोगों को लगता है कि सीरियसनेस ही नॉर्मल है, ओके, बल्कि है उल्टा, स्माइलिंग इज नॉर्मल बिहेवियर, सीरियसनेस इज एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ये टीचर्स को भी सबको बच्चों को बताना चाहिए कि don't be so serious, okay, always have at least a gentle smile on your mouth, right? Because that's normal, पर होता है, opposite है,
जैसे क्लास में कोई टॉपिक चल रहा है, बच्चा वैसे नॉर्मली स्माइल होते हैं, चेहरे पे स्माइल होती है, तो बच्चा अगर हल्का सा स्माइल कर देता है तो टीचर को डांटता है, हे बी सीरियस, व्हाट आर यू डूइंग। सो मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल चीज है। आप बच्चे की स्माइल आप रोक रहे हो, ये ऐसे ही जैसे एक खिलखिलाते फूल को आप दबा दो, क्रश कर दो, ऐसे ही है कि किसी स्माइल करते हुए आदमी को रोकना एक खिलखिलाते फूल को फ्लावर को क्रश करने के जैसा होता है। सो सो ऑलवेज स्माइल, कीप ऑन स्माइलिंग, ऑल्सो इंस्पायर अदर्स टू स्माइल, राइट, एंड डोंट बदर अबाउट अदर्स दैट इफ यू आर स्माइलिंग व्हाट दे विल थिंक अबाउट यू। ओके, तो हंसने से हेजिटेट मत करिए। आप अकेले हैं तो अकेला भी हंसना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लोग पागल समझते हैं, समझ दो लोगों क्या, लोग पागल समझने से क्या होता है, तो उनको उनकी प्रॉब्लम है, लोग आपके बारे में सोचते हैं क्या सोचते हैं वो लोगों की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने सुना होगा ना कि अगर आप ये सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, यानी उनको सोचने दो, ये उनका काम है, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे, ठीक है, यानी उनका उनको सोचने दो ना, उनको भी उनके उनके लिए भी कुछ होना चाहिए सोचने के लिए। अगर आप ये सब सोच लोगे तो वो क्या सोचेंगे, तो डोंट बदर अबाउट आई मीन अननेसेसरी और पीपल व्हाट पीपल विल थिंक। ओके, बिकॉज जैसे होता है ना कि एक नॉर्मल इंसान को पागल खाने में पागलों के साथ छोड़ दोगे तो पागलों को तो लगेगा कि ये नॉर्मल आदमी पागल है, हम तो अच्छे हैं, ठीक है, यार ये पागल है, और धीरे धीरे वो उसको भी पागल कर देंगे। तो इफ सोसाइटी इज एबनॉर्मल, सोसाइटी इज सीरियस, ओके, एंड सो इट डजंट मीन दैट यू नीड टू बी सीरियस फॉर द सोसाइटी। ओके, सो और ऐसा भी नहीं कि आप हमेशा ही जो हंसते रहिए अननेसेसरी बातों पे। ओके, कहीं 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 कुछ ऐसा माहौल होता है जहाँ पे थोड़ा सा सीरियसनेस लानी भी होती है, जैसे किसी का फ्यूनरल चल रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, इजंट इट। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर नॉर्मल कंडीशंस यू कीप ऑन स्माइलिंग, बी हैप्पी, और शाम को जो है शाम अपना लैपटॉप थेरेपी करिए दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, ठीक है। तो दिस इज अबाउट लैपटॉप थेरेपी, और साइंटिस्ट भी बोलते हैं लैपटॉप इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। आप हंसते रहिए, जिंदगी में खुश रहिए, आपको ये सबसे आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है, फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, और बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, आप मेंटली हेल्दी रहेंगे, राइट। तो ये so use this medicine, laughter therapy is the best medicine, isn't it? So ये है हमारा दूसरा solution for mental health, that is laughter therapy. अब हम चलते हैं तीसरे solution की तरफ, and the third solution for mental health, for mental well-being, okay, and that is नॉन सीरियसनेस। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, राइट। तो नॉन सीरियसनेस डज नॉट मीन दैट यू आर कैजुअल और यू आर नेग्लिजेंट, ओके ओके, इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट सीरियस फॉर योर स्टडीज, ओके। सो ऑलवेज बी सीरियस फॉर योर स्टडीज, फॉर योर कैरियर, ओके, बट सीरियस नॉट इन दैट वे, ओके, सीरियस इन द सेंस दैट keep on working hard for your studies, for your career, isn't it? That is seriousness. Okay, so I mean, just do your best, okay, in your studies. Okay, suppose you are a student and your work is to study, to qualify exam, okay, so just do your best, put your best effort, forget the rest, or iske alawa fir aur iske alawa aapko serious hone ki zarurat nahi hai, okay. And I assure you with my experience and the experience of others and experience of psychologists, okay, and psychologists research, that if you do your best, okay, then even if you fail in that attempt, then you will not regret in your life, right? Yani jo bhi kaam aap kar rahe ho, agar us kaam mein apna pura tan man dhan puri energy laga ke kaam ko sam ko karte ho, pura apna 100% dalte ho us kaam mein, उसके बाद अगर वो आपका काम नहीं भी होता है तो आपको दुख नहीं होगा, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, राइट। आप बल्कि आपके चेहरे पे खुशी आएगी कि हाँ आई ट्राइड माय बेस्ट, और नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, ओके। आज का फेलियर कल के सक्सेस के लिए स्टेपिंग स्टोन होता है, ओके। तो सो जितने भी बड़े बड़े महान महान पुरुष, महान लोग इस धरती पे बने हैं,
सो दे हैव फेल्ड मेनी टाइम्स ओके हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. आपने जो बल्ब का जो आविष्कारक है डिस्कवरर है ठीक है, तो उन्होंने आपको बताया कि ही फेल्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ओके. और आप अगर वो हिम्मत हार जाते तो आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब नहीं होता, लाइट नहीं होती बल्ब के फॉर्म में. तो सो आई मीन इट्स अबाउट just do your best okay. I mean, don't bother about other things okay. Because if you put your 100% nobody can make you you know unhappy okay. Because you know that you put your best okay. Aur agar aap apna 100% dalte hain to success 99% aapko mil hi jati hai okay. Agar 1% agar nahi bhi milti maan lijiye, agar bhagwan ne aapke liye kuch aur zyada acha socha hua hai theek hai, luck agar jo bhagya mein aapki aur zyada acha likha hua hai to aap 1% fail bhi ho sakte ho, to usme kya hai, nothing to worry. You will get something better. Okay. So let me tell you one example. So, like when I did the preparation of my IAS. Okay. So, most people suggested me that don't go prepare for IAS exams, for IPS exams. Okay. Because it's very risky and success rate is 0.1% and this and that and that and that. And aap itna aapka life science mein itna JNU ki life science itna इतना इंपॉर्टेंट करियर है ठीक है, आप बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे, यूएस अमेरिका चले जाओगे वगैरह वगैरह, इतने पैसे कमाओगे. लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जो इंटरेस्ट कर रहा है मैं वो करूँगा ठीक है, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूँगा ठीक है. एंड आई प्रिपेयर्ड माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट ओके. हमने आईएएस की तैयारी करी, कोचिंग करा ठीक है. मैंने 5 साल आई ट्राइड माई बेस्ट. तो 2-3 बार मेंस लिखा, आईएएस के इंटरव्यू तक पहुँचे राइट. So, because of some my bad handwriting, unfortunately I could not qualify the final exam. But we learned many things, okay, because of that preparation, and that is helping me in my life, right? So because IAS IPS में नहीं, life में सब कुछ नहीं है, उसके बाद भी life होती है, right? And because whatever I learned through that preparation, okay, so today I have many companies and turnover of crores of rupees in my company okay. So it's nothing is failure, nothing is success okay. Ye sab relative hota hai, chalta rehta hai life mein okay. Aaj jisko hum failure samajhte hain wo hamari success hoti hai jo bhavishya mein hame nazar aati hai. So it's nothing to worry about that. So that is about take things lightly okay. Don't be so serious. Okay, if you fail, कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे suicide कर लेते हैं, मेरा इतनी percentage नहीं आई है और मर जाते हैं. Okay, I mean that is because of they are not properly guided. Okay, by their parents, they such students are not properly counselled by the teachers. Okay, उनकी psychology की counselling नहीं हुई, उनको proper psychological मार्गदर्शन नहीं मिला, और इसलिए वो एक छोटी सी बात पे 10th class में marks कम आ गए, 12th class में marks कम आ गए. MBBS में नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया, मतलब व्हाट इज दिस ओके. लाइफ इज बियॉन्ड द 10th क्लास मार्क्स, लाइफ इज बियॉन्ड योर MBBS, लाइफ इज बियॉन्ड योर IAS IPS ओके. सो लाइफ इज टू लिव, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड एवरीवन ओके मस्ट एंजॉय एंड सेलिब्रेट हिज और हर लाइफ पीसफुली हैप्पीली ओके. द गॉड हैज गिवन यू द लाइफ ओनली टू लिव इट पीसफुली एंड हैप्पीली ओके. Be happy and make others happy. Live happily and let live others happily. That's the only purpose of our life. Love yourself and love others. Okay. So what else you want? Right. So बच्चों की society में बहुत सारी चीजें होती हैं. बच्चों का भी कसूर नहीं है. ठीक है. बच्चों को proper counseling नहीं पाती. बच्चों के ऊपर बहुत सारी expectations होती हैं parents की. Parents को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम अपने बच्चे पे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस ना थोपें. जो काम पेरेंट नहीं कर पाए, पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा वो सब करके हमारे सपने पूरे कर देगा राइट. और ऐसी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं होता. बच्चा बोलता है नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, बोलता नहीं तुम इंजीनियर बनो, वो लगे नहीं तुम इंजीनियर बनो. पेरेंट बोलता है कि तुम बच्चा बोलता है कि मैं IAS बनूंगा, वो लगे नहीं तुम तुम्हारा डॉक्टर बनो. आई मीन वो बोलता कि देखो मेरा कॉमर्स में इंटरेस्ट है, वो बोलता कि नहीं तुम इंजीनियरिंग लो. आई मीन तो ये बच्चे का भी कसूर नहीं है, पेरेंट्स का भी है कि लेट द चाइल्ड फॉलो हिज ओन कैरियर, हिज ओन इंटरेस्ट.
जिस सब्जेक्ट में जिस करियर में आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करिए, उसमें आप अच्छा करोगे लाइफ में, ज्यादा अच्छा करोगे और सक्सेसफुल होने की गारंटी 99% होती है जिसमें आपका करियर, आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आपको कम मेहनत लगेगी, कम टाइम लगेगा और आप चुटकियों में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब उसके एक्सपर्ट बन गए। लेकिन जो सब्जेक्ट या जो कैरियर आपके इंटरेस्ट का नहीं है, जिस जो आप पर थोपा गया है पेरेंट द्वारा या अनोइंगली आपने ले लिया, गलती से ले लिया, तो आप तो उसको उसमें एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा, राइट। सो काउंसिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, ओके, नॉट ओनली फॉर मेंटल हेल्थ बट फॉर करियर काउंसिलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एट द राइट टाइम इन देयर लाइफ, ओके। एंड सो द पेरेंट्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो अपनी अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन बच्चे पर ना थोपें और बच्चे को लेट द चाइल्ड टेक हिज ओन कोर्स, बच्चे को आप बता दीजिए कि ये करोगे तो ऐसे होगा, ये करने पे ऐसे होता है, इसको करने में इतनी मेहनत लगेगी, इसको करने में इतनी मेहनत लगेगी, इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसका बच्चे को एनालाइज करने दीजिए अपने आप को कि मेरी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, आप भी उसकी हेल्प करिए कि आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किसमें अच्छे हो, किसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। आप हेल्प कीजिए बच्चे की, आप बच्चे पे थोपिए मत, ओके। तो एज ए पेरेंट आप इतना ही करते हैं तो यू आर फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो दैट स्टूडेंट्स रिमेन हैप्पी एंड दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर एंडीवर्स व्हाट एवर दे फॉलो। अब हम आगे नेक्स्ट और जो सॉल्यूशन है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ का, वो है रियलिस्टिक गोल्स, ओके। तो जो मेंटल हेल्थ का जो अगला सॉल्यूशन है वो है हमारे जो गोल्स, हमारे जो लक्ष्य होते हैं वो हमें रियलिस्टिक गोल सेट करने चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ आप छोटे छोटे गोल सेट कर लें, छोटा नहीं सोचना कभी लाइफ में, क्योंकि जैसा आप सोचते हो लाइफ में आप वही बनते हो, उससे ज्यादा नहीं बनते हो, जितना आप सोचोगे उतना ही बनोगे, उससे ज्यादा नहीं बनोगे, राइट। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी सोच लो कि बहुत मतलब अनरियलिस्टिक सोच लो, अनरियलिस्टिक गोल सेट करने से भी आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, राइट, और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, ओके। तो जस्ट एनालाइज योर स्ट्रेंथ वीकनेस, ओके, एंड योर इंटरेस्ट, योर ओके, देन यू डिसाइड योर गोल्स, तो एंड अकॉर्डिंगली वर्क ऑन योर गोल्स, राइट। तो अगर आप सपोज आप 12th क्लास में हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि जो है मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो आप या कुछ और करना है, ठीक है, तो आपने एक गोल सेट कर लिया कि मुझे ये डॉक्टर बनना है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यानी आपको लगा कि आप डिसाइड कर लीजिए कि 1 साल के अंदर मुझे पूरा तैयारी करके और डॉक्टर बनना है, ठीक है, 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आप अपना यानी लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उस लॉन्ग टर्म गोल को आप शॉर्ट टर्म गोल में डिवाइड कर लीजिए, शॉर्ट टर्म गोल में यानी फिर यानी आपने 2 साल का टारगेट रखा तो 2 साल में एनुअल टारगेट क्या अचीव करने आपको वो सेट कर लीजिए, और एनुअल टारगेट में फिर आप क्या क्या करेंगे, ठीक है, और एनुअल टारगेट में 6 मंथ का टारगेट सेट करिए, फिर मंथली टारगेट कि हर महीने में कितना अचीव करूंगा और हर महीने में डेली कितना आप अचीव करेंगे, ठीक है, तो डेली कितने घंटे पढ़ेंगे और कितने कितना सिलेबस है, ठीक है, और इस सिलेबस को करने में मुझे डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए ताकि वो 2 साल में कवर हो जाए या 1 साल में कवर हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए अपने गोल के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग करने से आपका गोल रियलिस्टिक हो जाएगा, ठीक है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अचीवेबल है कि अचीवेबल नहीं है, ठीक है। और एक बार आपने प्लानिंग करके अपना गोल सेट कर लिया तो डेली आप जो भी आपने डेली अपना गोल सेट किया है आप 2-4 8 घंटे का या 7 घंटे का जो भी आपने गोल सेट किया पढ़ने का, ठीक है, आप उसको अचीव करिए, डेली डेली पढ़िए, उसको आप स्किप नहीं करना कि नहीं कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, ऐसे आप छोटे जाएंगे तो फिर आपको वो और बर्डन हो जाता है, तो आप बीच में आप गैप भी रखिए, ठीक है, 2-2 दिन छुट्टी भी रखिए महीने में, एक दो दिन छुट्टी भी रखिए, ठीक है। तो यानी आपको इस तरह रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, यानी आप एकदम आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ठीक है, तो आप स्टेप वाइज बन सकते हैं, ठीक है, आप पहले अपना प्लस टू में तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, फिर बाद में सपोज आप ग्रेजुएट आप बन लीजिए,
उसका डिसाइड कर सकते हैं, आपको आईएएस आईपीएस करना है, कुछ और करना है, सीएबीए जो भी है, ठीक है। हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है, एक चाय वाला जब प्राइम मिनिस्टर बन सकता है हमारे देश में, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप पढ़े लिखे हो, आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो एवरी चाइल्ड हैज इमेंस पोटेंशियल टू बिकम एनीथिंग। तो कभी भी अपने बारे में यानी छोटा नहीं सोचना, क्योंकि छोटा सोचोगे तो उतना ही बनोगे, बड़ा सोचना है, ठीक है। लेकिन बड़ा जो है रियलिस्टिक होना चाहिए, राइट। तो ये है अबाउट सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, राइट। सो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी, नेक्स्ट टिप फॉर मेंटल वेलबींग, ओके, and that is sharing and discussion. Okay. तो हालांकि ये mental health बहुत बड़ा issue है, बहुत बड़ा topic है, बहुत बड़ा vast syllabus है इसका, और vast topic है इसमें, तो हम इसको overall रख रहे हैं briefly, okay, आपको summarize कर रहे हैं, ताकि 15-20 point है, आपको summarize कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल में, क्योंकि डिटेल में लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो कम टाइम में, तो उस पॉइंट पे हम कवर कर रहे हैं, डिटेल में हम बाद में करेंगे। तो है शेयरिंग और डिस्कशन। तो बेसिकली क्या होता है कि लाइफ में जो है हर आदमी को प्रॉब्लम होती है, एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स इन लाइफ, ओके, और ऐसा कोई इंसान नहीं है अर्थ पे जिसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, और हर आदमी को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, ओके। तो जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों से शेयर करिए, दूसरों को बताइए, राइट, कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो दूसरे आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, सीक हेल्प, दूसरे से मदद मांगिए, ठीक है, दूसरों से हेल्प लीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए दूसरों को। बताने से आपकी आधी एंजाइटी तो वैसे चली जाती है, आधा डिप्रेशन टेंशन आधी रिलीज हो जाती है, बोलने मात्र से आपकी आधी टेंशन चली जाती है। अपने दोस्त को बताइए, ठीक है, अपने परिवार को बताइए, मम्मी पापा को बताइए, किसी को बताइए, अपने यानी कूड़ा करकट गार्बेज अननेसेसरी गार्बेज अपने दिमाग में नहीं रखना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस करिए, ठीक है। आप ये मत सोच के चलिए कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास नहीं हो सकता, मेरी प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है कोई सोल्व नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप फिर अगर आप प्रॉब्लम बताएंगे तो दूसरे के पास आपका जरूर 90% ऑफ द टाइम्स वो आपकी हेल्प करता है, आपको सॉल्यूशन भी बताता है, दूसरा तरीका भी बताता है। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, कई रास्ते होते हैं, वो तभी मिलते हैं जब दूसरों से डिस्कस करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स को बताएंगे नहीं, अपने दिमाग के अंदर दबाते रहेंगे तो वो जो कूड़ा करकट दब दब के हमारे दिमाग को एबनॉर्मल कर देता है। सिगमंड फ्रायड जो फादर ऑफ साइकोलॉजी इसके हम बोलते हैं, उन्होंने इसको बोला है सप्रेशन, यानी जो पेनफुल चीजें हैं, जो दुखदायी चीजें हैं, वो हम अपने दिमाग में सप्रेस कर लेते हैं, दबा दबा के भर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और वही हमारे जीवन में प्रॉब्लम करता है, वही हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल करने लगता है, और वही हमें दुखी करने लगता है। तो सप्रेशन इज वेरी बैड थिंग, राइट, डोंट सप्रेस योर थॉट्स, योर इमोशंस, ठीक है, एक्सप्रेस कर दीजिए, ठीक है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, नॉट ओनली थॉट्स, आल्सो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ठीक है। अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो फिर बता दीजिए, ओके, इन ए सोशली एक्सेप्टेबल वे, ठीक है, तो इन्हें लीगल एंड सोशली एक्सेप्टेबल वे एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, एंड यू विल डेफिनेटली गेट हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ओके, एंड फैमिली मेंबर्स, राइट। सो दैट इज quite important, okay, so because unless you discuss your problems you will not find the solution and you will keep on suffering, okay। कई बार होता है कि बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है और हमने उसको बहुत बड़ा बनाया होता है अपने दिमाग में, यानी राई का पहाड़ बनाया होता है उस प्रॉब्लम को हमने अंदर सोच ही सोच के, और जैसे हम बताते हैं हमें पता चलता रही है इतनी छोटी प्रॉब्लम थी, इतना आसान सोल्यूशन था, राइट। तो just share with anybody, okay, don't suppress, don't stuff inside yourself. So that is a very important psychological research based technique, okay, sharing and discussion, right, and
नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट? बिकॉज योर सक्सेस, योर लाइफ इज नॉट ए मैटर ऑफ वन थिंग, इट्स ए मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स. सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, राइट? तो कोई भी काम करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब तक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप उस काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? यानी इनिशिएटिव ही नहीं ले पाएंगे. इनिशिएटिव किसी काम को करने की शुरुआत करने के लिए, उसका इनिशिएटिव लेने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है? तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते वो लाइफ में सोचते तो बहुत हैं, बड़े बड़े आइडिया सोचते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है, लेकिन क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता तो इनिशिएटिव नहीं ले पाते, काम शुरू नहीं कर पाते, तो उनके आइडियाज आइडियाज ही रह जाते हैं, वो एक्शन में आते नहीं है, इम्प्लीमेंट होते नहीं है, और वो कुछ कर नहीं पाते हैं. कुछ लोग होते हैं कि जो सोचते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर शुरू कर देते हैं, उनको विश्वास होता है कि हाँ मैं करूँगा, कर सकता हूँ मैं, जब दूसरा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता. ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है. तो इसमें अपने आप पे यकीन रखिए. आई मीन नेवर थिंक योर सेल्फ एज इंफीरियर. ओके, इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स कभी मत लाइए. इंफीरियोरिटी ये भी बहुत बड़ी एक टेक्निक है कि नो इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स शुड बी देयर इन योर माइंड. यानी हीन भावना नहीं होनी चाहिए आपके अंदर. किस बात की हीन भावना? जब परमात्मा ने हमें फिजिकली मेंटली एक जैसा बनाया है, राइट? स्पिरिचुअली हम एक जैसे हैं, राइट? और हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है आदमी के अंदर करने का, तो हम क्यों इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करें? यू सी व्हाट हैपेंस. जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अरे मेरे अंदर दिमाग नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा वैसा. मैं बता दूं कि आपको बता दूं कि दिमाग सब में होता है. आइंस्टाइन जो होता है उसने भी केवल अपना 1 से 3%, 1 से 3% ही दिमाग यूज किया था. 97% तो आइंस्टाइन भी अपना दिमाग यूज नहीं कर पाया. तो दिमाग तो आपके अंदर है, आप उसको यूज नहीं कर पाए, राइट? ये आप उसको यूज नहीं करना चाहते क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, ठीक है? तो अगर आप एवरेज भी हो, बिलो एवरेज भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, आप बड़े बड़े इंटेलिजेंट्स को पीछे छोड़ दोगे, बड़े बड़े जीनियस को पीछे छोड़ दोगे. क्योंकि जो लगातार मेहनत करने वाला होता है, एवरेज स्टूडेंट होता है, वो जीनियस को भी पछाड़ देता है. क्योंकि जीनियस को लगता है, इंटेलिजेंट को लगता है, अरे मैं तो पढ़ लूंगा, वाकई पढ़ लूंगा, 2 घंटे पढ़ लूंगा, सुन आ जाए, हो जाएगा. लेकिन जो परसिस्टेंस होती है, रेगुलर स्टडी होती है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, राइट? तो ये आई मीन इवन जीनियस कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ परसिस्टेंस. यानी रेगुलर हार्डवर्क का जो रिप्लेसमेंट तो जीनियस भी नहीं कर सकता, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डोंट बॉदर दैट आई मीन डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. एंड इट डज नॉट मीन दैट यू ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ. नाइदर ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ नॉर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. ओके, मीन्स ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट. देयर इज अ वेरी थिन लाइन. ओके, बहुत पतली सी बाउंड्री होती है घमंड में, ओवर कॉन्फिडेंस में, और कॉन्फिडेंस में, राइट? तो घमंड नहीं करना, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, राइट? ओवर एस्टिमेशन नहीं करना, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, राइट? तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? एंड जिसने अपने आप पे भरोसा किया है, जिंदगी में ऐसे लोगों ने ही बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करी हैं. जिसको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा हो, वो नहीं कर सकता, राइट? तो हमने देखे हैं, तो जब हम कोचिंग में थे, तो जैसे हमने कुछ फ्रेंड्स होते थे, ठीक है, तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो हम कई बार मजाक उड़ाते थे हम लोगों का कि अरे इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आईएएस की तैयारी करने चला है, ठीक है, क्या होगा इसके भविष्य का. और बाद में पता चला कि वही आईएएस आईपीएस बन के चले गए. हमारा जो मजाक उड़ा रहे थे उनका नहीं हुआ. I mean, you do not know about your potential. You have unlimited potential. You have unlimited skills.
किस आदमी में कितनी स्किल होती है यू कैन नॉट एनालाइज ओके, और आपको भी नहीं पता होता कि आपके अंदर कौन सी खूबी है राइट। और कई बार आप इंट्रोडिक इन भावना के चलते आप उस खूबी को दबाए चले जाते हो ठीक है, जस्ट डू योर बेस्ट ओके। सो दैट इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस राइट। और अब आते हैं अगली टेक्निक पे, और वो है नेक्स्ट टेक्निक इज ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स राइट। यानी वीकनेस सब में होती है राइट, तो वीकनेस का मतलब ये नहीं कि आप हाथ याद रख के बैठ जाओगे, आप अपनी वीकनेस पे काम करिए, उसको इम्प्रूव करिए ठीक है। आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो आप मेहनत करिए, आप वीकनेस दूर हो जाएगी आप उसमें स्ट्रांग हो जाओगे। सो यानी कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ एंड दैट विल लीड टू सक्सेस। तो वीकनेस आपको डीमोटिवेट ना करे, बल्कि वीकनेस आपके लिए फ्यूल का काम करे। इट मस्ट एक्ट एज ए ड्राइव ओके टू अचीव समथिंग ओके, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए आप उसको यूज करिए। क्योंकि ये देखा गया है कि जो है जितने भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, IAS, IPS हो ठीक है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें 60% जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं वो वे होते हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था ठीक है। ठीक है, वो एवरेज स्टूडेंट रहे होते हैं, 60% मोस्टली रूरल बैकग्राउंड से होते हैं ठीक है। आप IAS IPS की बात कर लीजिए जैसे, तो 60% जो भी IAS IPS क्वालिफाई करते हैं वो मोस्टली रूरल बैकग्राउंड से होते हैं ठीक है, मोस्टली एवरेज स्टूडेंट होते हैं राइट। लेकिन वो लगातार हार्ड वर्क कर करके और एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, और कैपिटल सिटी जैसे बड़े मेट्रो सिटीज के बच्चे जो बड़े अपने आप में बड़े बहुत जीनियस होते हैं, अच्छी स्कूलिंग होती है, अच्छी अपब्रिंगिंग होती है, वो भी उनसे मेहनत में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज में इतने लोग IAS IPS नहीं बन पाते हैं ठीक है, एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स ओके। सो इट्स बिकॉज क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मेरा ये मैंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास और कोई और दूसरा करियर ऑप्शन नहीं बचा है ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरी उसकी लाइवलीहुड का सवाल हो जाता है, रोजी रोटी का सवाल हो जाता है, सर्वाइवल का सवाल आ जाता है। जब आपके सर्वाइवल का सवाल आ जाता है तो आप उस काम को करने की संभावना 100% बढ़ जाती है ठीक है। तो 100% ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम्स आप उस काम में सफल हो जाते हो जब उसमें आपको लगता है कि सर्वाइवल का अब क्वेश्चन खड़ा हो गया है। तो ये है बिकॉज हमारे दिमाग में बहुत पावर होती है, इतनी अनलिमिटेड पावर होती है, अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग टॉपिक है साइकोलॉजी में ओके, कि दिमाग की कौन कौन से पार्ट होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन, अनकॉन्शियस ब्रेन, और कितनी पावर होती है, वो कैसे काम करते हैं राइट, और हाउ जो दिमाग की जो पावर जो होती है कैसे आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। तो दिमाग तो क्योंकि हम डिस्कस कर ही रहे, तो थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि दिमाग में कितनी पावर होती है। तो दिमाग में इतनी पावर होती है कि दिमाग एक पैरालाइज्ड पेशेंट को हेल्दी बना देता है ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, सिगमंड फ्रायड द फादर ऑफ साइकोलॉजी, उसने एक पैरालिटिक पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो हुआ ये था कि देयर वर टू सिस्टर्स, तो जो छोटी बहन थी वो बड़ी बहन के जो लवर था उसके प्यार में, आई मीन सी फेल इन लव विद हिम ओके। सो तो बाद में उसको छोटी बहन को पता चला कि ये तो मेरी बड़ी बहन का फ्रेंड है राइट, एंड सी फेल्ट गिल्टी एंड डिप्रेस एंड एंजाइटी एंड सी गॉट पैरालाइज्ड, यानी छोटी बहन पैरालाइज हो गई। तो सिगमंड फ्रायड ने उसका इलाज किया बाय पॉजिटिव सेल्फ टॉक, बाय काउंसलिंग, और सिगमंड फ्रायड ने काफी सेशन दिए उसको, और उसके दिमाग में उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट कर दिया कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वॉज जस्ट बाई चांस ही मेट यू, एंड इट इज नथिंग रॉन्ग टू फॉल इन लव विद समवन समबडी राइट, एंड यू डिड नॉट डिड इट इंटेंशनली
आपने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, इट इज बाय जस्ट बाय चांस बाय लक बाय फेट ओके, तो इट्स नथिंग टू फील गिल्टी ओके, इट्स रॉन्ग टू फील गिल्टी। तो उसने उसके सबकॉन्शियस में ऐसे सेट कर दिया, सी बिकेम नॉर्मल, उसने पैरों पे चलना शुरू कर दिया, जो व्हील चेयर से उठ नहीं पाती थी, सी बिकेम नॉर्मल। सो दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो हम अचीव कर लेते हैं, सब बीमारियां सही हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम से लेके मेंटल प्रॉब्लम तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको सही कर सकता है, हमारी थिंकिंग पावर उसको सही कर सकती है, पावर ऑफ थॉट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, ये एक एनर्जी होती है, थॉट्स इज एनर्जी, विचार जो होते हैं वो एक ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को अगर हम अपने पॉजिटिव हीलिंग में लगाते हैं तो वो हमारी फिजिकल हेल्थ को भी सही करता है, मेंटल हेल्थ को भी सही करता है, और डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि 90% ऑफ द डिजीज, जो भी बीमारियां होती है, उनका सब बीमारियों का जो रूट काज होता है वो हमारी मेंटल मेंटल थिंकिंग में होता है, हमारी सोच में होता है, साइकोलॉजी में होता है, राइट। तो अगर हम अपने माइंड में होता है तो हम अपने माइंड को अगर सोच को माइंड को पॉजिटिव कर लें तो हमारी आधी बीमारियों से तो हम वैसे ही बच जाएंगे, आधी से ज्यादा बीमारी से तो वैसे ही बच जाएंगे, और बीमारी हो भी गई तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स भी आपने देखा होगा कई बार कि कुछ पेशेंट बड़ी मिराकुलसली सही हो जाते हैं, डॉक्टरों को देखिए नहीं होता कि जो पेशेंट मरने वाला है वो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से मौत को भी मात दे सकता है, isn't it? So, ये होती है the power of thoughts. So always feel positive about yourself. इसको बोलते हैं positive self-esteem. अपने बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को किसी से कम मत समझिए, ना ही अपने आप को किसी से ज्यादा समझिए, कि ये सब नॉर्मल है, सब बराबर हैं। सेल्फ एस्टीम यानी अपनी अपना आत्मसम्मान करिए, ठीक है, और तो ये बहुत जरूरी है और ये हर आदमी के लिए जरूरी है। एंड नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टेक्निक एंड दैट इज फॉर मेंटल वेलबींग एंड दैट इज टेक्निक इज लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट असर्टिवनेस। यस, तो असर्टिवनेस भी एक चीज होती है, राइट। तो लाइफ में क्या होता है कि ये बड़ा डेलिकेट बैलेंस होता है कि कब हमें पोलाइट रहना है। वैसे तो हमें मोस्टली पोलाइट ही रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी पोलाइटनेस का लोग अननेसेसरी मिसयूज कर लेते हैं, अननेसेसरी फायदा उठा लेते हैं, तो कोई हमारी पोलाइटनेस का फायदा उठाकर हमारा नुकसान ना करे, इसलिए हमें असर्टिव होना पड़ता है, ठीक है, हमें उसको रोकना पड़ता है। यानी कभी कभी हमें अपनी पोलाइटनेस छोड़ के हमें असर्टिव होना पड़ता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करो, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये कलयुग है और आप जितनी ज्यादा गर्दन आप आगे करते हो सामने वाला उसको उतना ज्यादा काटता जाता है। तो अब ये टाइम नहीं रहा कि गांधी जी ने बोला था कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा भी कर देना, गाल आगे कर देना, क्योंकि आजकल तो दूसरे गाल पे भी लोग थप्पड़ मार देंगे आपको, तो अगर आपके गाल पे थप्पड़ पड़ता है तो दूसरे को रोको उसी वक्त, ठीक है, कि भाई क्यों मार रहे हो, क्या प्रॉब्लम है बताओ, लेट्स डिस्कस, ठीक है, ठीक है। तो ये होती है असर्टिवनेस, क्योंकि आप बिना बात के किसी से टॉर्चर होते रहोगे तो वो आपको तब तक टॉर्चर करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, didn't it? तो ये होती है असर्टिवनेस, इट्स नॉट इट्स ऑल, ये कई चीजों में लागू होता है, ठीक है, इट्स असर्टिवनेस आपके ग्रुप डिस्कशन में भी लागू होता है, स्टडीज में भी, रियल लाइफ में भी, फ्रेंड फैमिली एवरीवेयर इट अप्लाइज, ठीक है। तो जहां आपको लगे कि नहीं मुझे बोलना चाहिए, मुझे सामने वाले को रोकना चाहिए, मुझे अपना व्यू पॉइंट रखना चाहिए, तो रखिए अपना व्यू पॉइंट, उसको असर्टिवनेस बोलते हैं। अगर आप चुप रहे जहां पे आपको अपना व्यू पॉइंट रखना था और वहां पे आप चुप रह गए तो आप असर्टिव नहीं हुए, उससे आपको नुकसान होगा, राइट। तो ये होती है असर्टिवनेस। एंड नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टेक्निक लाफ्टर, एंड दैट इज लाफ्टर से भी हम कर चुकी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम आ रहे हैं, ठीक है। एंड सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ। सो कम्युनिकेशन स्किल्स, हालांकि ये एक बड़ा टॉपिक है साइकोलॉजी में और बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, कैसे बोलना चाहिए, ठीक है, और लेकिन हम यहाँ पे ब्रीफली लेंगे, राइट। और ब्रीफली में इतना ही है कि आप
मीडियम पे मत जाइए कि हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, जो जो भी आपको आता है, हिंदी आती है इंग्लिश आती है, ठीक है, आप उसमें बोलिए, लेकिन जो बोलिए आप क्लियर बोलिए, ओके, आराम से बोलिए, लाउडली बोलिए, क्लियर बट लाउड, ठीक है, ताकि सामने वाले को सुनाई दे, एंड कॉन्फिडेंटली बोलिए. सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो अगर आपको इंग्लिश कम आती है, लेकिन आपको आपको ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलना जरूरी हो गया है, तो आप इंग्लिश में बोलिए. आप एजिटेट मत करिए कि मुझे इंग्लिश कम आती है, टूटी फूटी आती है, एजिटेट मत करिए. टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो कोई बात नहीं, आप बोलिए उसी में. जब आप 5-7 बार टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश सही होती जाएगी और आप अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे. लेकिन अगर आप बोलना ही शुरू नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो फिर आपकी कभी इंग्लिश नहीं आएगी आपको, आप फिर वैसे ही रह जाएंगे. तो जैसे मैंने बताया कि हमारे कुछ दोस्त थे जिनको इंग्लिश भी नहीं आती थी सही से बोलना, तो हम उसका मजाक उड़ाते थे, राइट. और तो लेकिन उनका हो गया, वो छोटी छोटी इंग्लिश बोलते थे, धीरे धीरे उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, ओके, एंड दे बिकम फ्लुएंट. सो डोंट हेजिटेट कि दूसरे क्या सोचेंगे कि मेरी इंग्लिश खराब है या मेरी हिंदी खराब है. डोंट बॉदर अबाउट दैट, मीडियम डजंट मैटर. आप जैसे आते हैं, क्योंकि हर आदमी ऊपर से सीख के नहीं आता, सब आदमी यहीं पर सीखते हैं. एवरी स्किल इज लर्न्ड आफ्टर बर्थ हियर ओनली ऑन द अर्थ, राइट. तो किसी ने पहले सीख ली, आप बाद में सीख रहे हो, इतना फर्क है, तो इसमें हेजिटेट करने की क्या बात है. तो जस्ट डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेट व्हेरेवर इज नेसेसरी, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नीड एनर्जी लाइफ में. कम्युनिकेशन गैप जहाँ रहता है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, whether it is a career or business or profession or job, okay. So communication skills are very important for a successful life and happy life. Okay, now let's move to the next, okay, and that is strong interpersonal skills. So isme mama to briefly hi lunga kyunki kafi lamba ho gaya chha topic. So इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं कि यानी आपस में एक दूसरे से कैसे बिहेव करें, कैसे बात करें, ठीक है, दोस्त कैसे मेंटेन रखें. और सो यानी तो ऐसा नहीं कि जब आपको काम पड़े तभी आप लोगों से बात करें, उसके बाद आप बात करना बंद कर दें, भाग जाएं, ठीक है. तो टाइम टाइम पे आप अपने दोस्तों से बात करती है, डिस्कस करते रहिए और लोगों की हेल्प करिए, लोगों से हेल्प मांगिए, ठीक है. तो इससे आपका यानी कम्युनिकेशन बना रहता है, तो आपकी एक दूसरे के प्रति यानी पर्सनल बॉन्डिंग बनती है, राइट, इमोशनल अटैचमेंट होता है, फ्रेंडशिप बढ़ती है, तो इसको इंटरपर्सनल स्किल्स बोलते हैं. और तो ज़्यादा अब नहीं ले पाएंगे अभी फिलहाल, बाद में डिस्क्रिप्टिव में मिलेंगे. और फिर है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. तो लाइफ में जितनी अपनी चादर हो उतने ही पैर पसारिए, ये आपने सबने सुना है, क्योंकि अपनी चादर से बाहर पैर पसारेंगे तो आपको सर्दी लगेगी, आपको मच्छर काटेंगे, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम होगी. तो जितना आपकी यानी अर्निंग है, जितना पॉकेट आपको अलाउ करती है, उतना खर्च करिए, जनरेट. और जैसे अगर आप ब्रांडेड कपड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं ब्रांडेड कपड़े पहनना, आप नॉर्मल सादे कपड़े पहनिए, राइट. क्योंकि जो अल्टीमेटली इट्स योर थॉट्स व्हाट यू डू, आप क्या करते हो और आपकी सोच कैसी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आप कैसे कपड़े पहनते हो डजंट मैटर, हालांकि कुछ जगह जरूरी होता है कि हमें डिसेंट कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है, डिसेंट बट नॉर्मल कपड़े पहनना चाहिए, एक्सपेंसिव कपड़े जरूरी नहीं होता कि आप हर जगह एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े ही जरूरी होते हैं, राइट. तो दैट इज अबाउट सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ओके, वो अननेसेसरी फिजूल खर्ची में बहुत पड़े रहते हैं, हर चीज़ ब्रांडेड एंड अननेसेसरी एक्सपेंसिस भरे होते हैं. और वो एक दूसरे को दिखाने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए, यानी वो अननेसेसरी स्पेंड करते रहते हैं. तो दैट दोज थिंग्स जनरेट इंटरनल एंजाइटी, इंटरनल स्ट्रेस, ओके, एंड दैट गेट्स मेंटल प्रॉब्लम्स, राइट. सो क्योंकि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो इतना दिखावा नहीं करते कपड़ों में, वो सिंपल कपड़े पहनते हैं, ठीक है. और जो छोटे जो जो थोड़े रिलेटिवली मिडिल क्लास लोग होते हैं या पुअर लोग होते हैं, वो ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हैं अपनी गरीबी को छुपाने के लिए, जो भी है, ठीक है. गरीबी मेंटल होती है, नथिंग लाइक दैट, ओके, मनी पॉइंट से बात नहीं कर रहा मैं,
तो वो हाई फाई कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे, और इट्स नॉट नेसेसरी, ओके, जस्ट सिंपल डिसेंट क्लोथ्स आर एनफ, ओके, चाहे आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है, आपके पैसे हैं या नहीं है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, सो दैट इज इट विल हेल्प यू टू अवॉइड मैनी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स इन लाइफ. अपनी जो इन्वेस्ट योर मनी इन योर एजुकेशन, इन योर हेल्थ, so that is that will help you in becoming a happy person. And क्योंकि जैसे आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो एक दो टॉपिक और बचे हैं, ठीक है, तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वैसे तो बहुत बड़ा ये अलग से अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत सारे बनते हैं, पर यहाँ पे हम ब्रीफली हम आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे करना ये नहीं बता पाएंगे, ब्रीफली बता पाएंगे कैसे करना है, वो अलग टॉपिक बताएंगे. तो जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज नाउअडेज वेरी इंपॉर्टेंट भाई. तो वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम था जब आईक्यू मैटर करता था, इमोशनल कोशियंट, सॉरी आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट कोशियंट, इंटेलिजेंस कोशियंट, यानी आप में कितनी इंटेलिजेंस है, आईक्यू कितना है, ठीक है, इंटेलिजेंस कोशियंट मैटर करता था. फिर आया इमोशनल कोशियंट, कि आप कितने इमोशनली लोगों को डील कर पाते हो, कितने इमोशनली हैप्पी हो, ठीक है, कंट्रोल ऑन योर इमोशंस एटसेट्रा. तो जिन लोगों में इमोशनल कोशियंट ज्यादा था वो ज्यादा सक्सेसफुल रहने लगे, ज्यादा हैप्पी होने लगे, ठीक है. तो केवल इंटेलिजेंस कोशियंट से काम नहीं चला, तो इमोशनल कोशियंट आया, ठीक है, तो लोगों ने इमोशनल कोशियंट लगाना शुरू कर दिया, तो दे स्टार्टेड बिकमिंग हैप्पी एंड मोर सक्सेसफुल. और अब चला है पिछले 7-8 साल से स्पिरिचुअल कोशियंट, SQ IQ इंटेलिजेंस कोशियंट, EQ इमोशनल कोशियंट, और अब चला है स्पिरिचुअल कोशियंट, राइट, बस SQ. तो स्पिरिचुअल कोशियंट को भी आपको इंप्रूव करना है, ये बहुत जरूरी है. अगर आपको अपने दिमाग की सोई ताकतों को एक्टिवेट करना है, जगाना है, जागृत करना है, अवेकन करना है, तो आपको स्पिरिचुअल कोशेंट की तरफ काम करना पड़ेगा, राइट. तो स्पिरिचुअल कोशेंट को बढ़ाने के लिए आपको इसमें टेक्निक होती है योगा, योगासन करिए. योगा आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, हेल्दी बनाता है, राइट, और मेडिटेशन में हेल्प करता है, ठीक है. मेडिटेशन आपके माइंड को हेल्दी रखता है, आपकी सोच को पॉजिटिव रखता है. जैसे होता है ना, घर में बहुत गंध छुपा होता है, ठीक है, तो उस गंध को हम झाड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद घर साफ होता है. ऐसे ही हमारे दिमाग में जो नेगेटिव विचारों का जो डर्ट होता है वो भरा होता है, उसको साफ किया जाता है प्राणायाम से, मेडिटेशन प्राणायाम से, ठीक है. जो बैड एक्सपीरियंस जो दिमाग में दबे होते हैं, बैड मेमोरीज जो दिमाग में दबी होती हैं, उनको रिलीज करना होता है, नहीं तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है. तो सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सप्रेस्ड मेमोरी, सप्रेस्ड इमोशंस जो दिमाग में दबे पड़े हैं कूड़े करकट के रूप में, सबकॉन्शियस माइंड में जो दबे पड़े हैं, उनको रिलीज करते हैं मेडिटेशन के जरिए. मेडिटेशन सब कुछ पिघला देता है, दिमाग में जो भी बुरी मेमोरी, पेनफुल मेमोरीज, राइट, और जो भी बैड एक्सपीरियंसेस, वो मेडिटेशन से डिजोल्व हो जाते हैं, ऐसे डिजोल्व हो जाते हैं कि आपको पता नहीं, एंड यू फील लाइट एंड हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, ओके. अननेसेसरी बर्डन आपका डिजोल्व कर देता है मेडिटेशन. तो मेडिटेशन करिए. मेडिटेशन कैसे करना है वो सब भी हम, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, अगले टॉपिक में कवर करेंगे, सेपरेट टॉपिक्स में कवर किया जाएगा इसको. मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, राइट, तो इसमें 4-5 लेक्चर लगेंगे. और फिर प्राणायाम कीजिए, ठीक है. तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, प्राणायाम होती है ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगे आप करिए, ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम ही करिए, कर लीजिए कम से कम. तो प्राणायाम, जैसे मैंने पहले भी कभी बताया था कि प्राणायाम जो होती है, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, ब्रेथ ही एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन को कंट्रोल कर सकती है. वैसे तो आपका ब्रेन हर बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, लेकिन आप का जो ब्रेथ है वो ब्रेन को भी कंट्रोल कर लेता है. ब्रेन जो है
ब्रेथ के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू आप अपने ब्रेन को प्रेजेंट में ला सकते हैं। प्रेजेंट में रहेगा तो ब्रेन खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेन जो है वो भविष्य में भागता है, भविष्य की चिंताओं में भागता रहता है या भूतकाल में पछताता रहता है, राइट। तो प्राणायाम जो होता है आपको प्रेजेंट में ले आता है, उस किसी मोमेंट में ले आता है, इन द मोमेंट, इन द बीइंग, ओके। तो प्राणायाम आप रेगुलर कर लीजिए, अगर, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है प्राणायाम करने का, मेडिटेशन करने का, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। अगर आपको अपने दिमाग की हिडन पावर्स को, अनयूज्ड पावर्स को एक्टिवेट करना है, अवेकन करना है, तो प्राणायाम इज मस्ट। प्राणायाम करेंगे तो आपको बता दूं, जो काम आप 8 घंटे में कर रहे होते थे, वो ही काम आप 2 घंटे में खत्म कर पाओगे। आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा, एंड यू विल फील रिलैक्स, हैप्पी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राइट। तो प्राणायाम स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ बोलने से, लेक्चर सुनने से, शास्त्र पढ़ने से आप कुछ भला नहीं होने वाला, ठीक है। आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, जो कुछ आप सीखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करिए। जो भी आपको लगता है कि पॉजिटिव है, अच्छा है, आपने अच्छा सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट करिए। अनलेस यू इम्प्लीमेंट, ऑल आइडियाज आर यूजलेस, ठीक है। ऑल योर नॉलेज इज यूजलेस, ऑल योर नॉलेज इज बर्डन अनलेस यू इम्प्लीमेंटेड, okay, your knowledge becomes burden if you don't implement it. So implement whatever you have learned. जो मैंने बताया उसको implement करिए life में, behavior में लाइए उसको, behavior में लाएंगे तभी implement होगा, क्योंकि तभी वो आपको में consolidated होगा, क्योंकि नहीं तो अगर आप उसको implement नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। जो भी आपने सीखा है, knowledge acquire किया है, ज्ञान acquire किया है, उसको भूल जाएंगे और फिर आप ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। So whatever you learn, you implement it, right? तो प्राणायाम वगैरह कैसे करते हैं वो सब अलग टॉपिक है, वो भी हम बाद में कवर करेंगे। और अभी बस हमारे पास 3 टॉपिक बचे हैं। वेल, नेक्स्ट टॉपिक इज टू बिकम हैप्पी, सब्सटेंस अब्यूज नहीं करना, यानी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। सब्सटेंस अब्यूज यानी ड्रग अब्यूज जो भी करते हैं, ड्रग एडिक्शन जिसको भी है आपको छोड़ना है, ठीक है। अल्कोहल एडिक्शन जिसको वो भी आपको छोड़ना है, स्मोकिंग जो करते हैं छोड़ना है, हालांकि छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता, राइट। वो आपके विल पावर पर डिपेंड करता है। तो ये ड्रग एडिक्शन कैसे छोड़ते हैं, अल्कोहलिज्म कैसे छोड़ते हैं, ये हर टॉपिक का अलग अलग एक एक घंटा लेंगे, ड्रग एडिक्शन पे, अल्कोहल एडिक्शन पे और स्मोकिंग पे, इसको कैसे छोड़ा जाए, राइट। और तो वो सेपरेटली, तो पहले आज, अभी तो आप ये विल पावर करना शुरू कर दीजिए कि कैसे इनसे छुटकारा पाना है धीरे धीरे करके, ओके। And because they ultimately lead to abnormalities, addictions, mental abnormalities, and you know, बहुत सारी problem होती हैं, and they create psychological abnormalities. और ठीक है, next is healthy diet. आप healthy diet खाइए, balanced diet खाइए, balanced diet इसमें सब कुछ हो, carbohydrate, fat, proteins, minerals, vitamins, and non-veg को avoid करिए, right? Because non-veg food brings many viruses and many disease-causing pathogens, right? So healthy diet रखिए, और regular exercise करिए, regular exercise it will keep your body healthy and it will also keep your mind healthy, happy, right? Because exercise करने से भी काफी stress release होता है, stress hormones जो होते हैं वो control करते हैं, endorphins release होते हैं जो body को happy करते हैं, ठीक है, exercise करते वक्त। तो आप exercise भी करिए, कोई भी exercise करिए, कुछ भी करिए, रेस लगाइए या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं वो खेलिए, ठीक है। सो वो भी आप अपना थोड़ा थोड़ा करिए। और नेक्स्ट चीज आपका जो है रेगुलर एक्सरसाइज आप करते रहिए, ठीक है, डेली करिए, वो कुछ भी हो सकता है, योगा के साथ साथ कोई भी रेगुलर एक्सरसाइज करिए। और बाकी जो भी लास्ट स्टेप जो होता है, आपकी जो भी अपनी हॉबी है, आप उस हॉबी को फॉलो करिए, राइट। अपनी हॉबी में 2-4 मिनट, 5-10 मिनट, जितना भी आपको आपका टाइम होता है, आपकी जो भी हॉबी है वो आपको खुश रखेगी, हैप्पी रखेगी, राइट। एंड तो इस तरह आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। एंड ये सब चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हॉबी टाइम दीजिए। और अल्टीमेटली क्रक्स ये है कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, नथिंग इज परमानेंट, Everything is changing, right? तो जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और आज तो
इतना दुखी होने की जितनी एक जरूरत नहीं होती किसी चीज के लिए, क्योंकि वो आज जो चीज आपको दुखी कर रही हो कल वो उसका रीजन खत्म हो जाएगा, कल आप फिर सुखी हो जाओगे। नथिंग इज परमानेंट, सो ऑलवेज बी हैप्पी बिकॉज इट्स योर लाइफ, लीव योर लाइफ हैप्पीली एंड पीसफुली, लीव पीसफुली एंड ऑल्सो लेट अदर्स लीव पीसफुली। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।